हाँ नहीं यार, आप फिर से ट्राई करते, इसमें तो ठीक ठाक रहा, मतलब लगभग बराबर पे लास्ट में खींच ये ना दिखावा दिखावा है। अभी ड्रैग रेस कर रहे हैं बहुत तेज। हेलो, अरे बहुत तेज गाड़ी चला रहे हैं, बताओ। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक और वीडियो साथ आपके साथ हाजिर हूँ मैं नितिन, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल बाइकर्स बॉन्ड में। आज एक बड़ी अजीब सी वीडियो बनाएंगे, एक बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट रहता है लोगों के अंदर कि क्लासिक 350 क्या R15 से ज़्यादा तेज है या ये ज़्यादा इसमें पावर है। तो आज इसी का थोड़ा सा कंपेरिजन करेंगे कि अपनी जो बुलेट क्लासिक 350 बड़ा ही फेमस मॉडल है, उसका कंपैरिजन करेंगे अपने R15 वर्जन 3 से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं क्लासिक 350 चला रहा हूं और आगे जहां पिछली वीडियो में आपने देखा था KTM का 0-100, उसी रोड पर ले जाकर अपने R15 वर्जन 3 के साथ, जैसे प्रीतेश जा रहे हैं उन्हीं के साथ कंपेरिजन करें। लोगों का बड़ा मिथ रहता है कि ये 350 cc की बाइक है और R15 जो है 150 cc बाइक है। तो जो R15 के फैन है वो बोलते हैं कि नहीं, हम 350 से ज़्यादा तेज मेरी R15 है, और जो बुलेट के फैन है वो कहते हैं नहीं, बुलेट ज़्यादा बेटर है। तो दोनों चीज़ें चेक करेंगे, एक तो गियर वाइज टॉप स्पीड क्या रहती है इस क्लासिक 350 की, देन हम चेक करेंगे कि अपना R15 से ड्रैग रेस में क्या इफेक्ट पड़ता है। दोनों बाइकों का टेक्निकल डिटेल जो भी उसके स्पेसिफिकेशन है, पावर फैक्टर, टॉर्क, न्यूटन में, वो सब चीज़ें मैं अब यहाँ स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप देख लेंगे। वी आर होपिंग कि यहाँ ट्रैफिक ना मिले। आओ आगे, आ जाओ आगे। तो अभी डिसीजन ये हुआ है कि हम लोग पहले गियर वाइज टॉप स्पीड देखेंगे अपने रॉयल एनफील्ड की। अब क्योंकि इसमें डिजिटल मीटर नहीं होता है तो एक्यूरेट बताना मुश्किल है कि वो गियर में टॉप स्पीड कितना जा रहा है फर्स्ट गियर पे, सेकंड गियर पे, फिर भी वो आप पे डिपेंड करता है। फिर भी मुझे जो एक्यूरेट लगेगा वो मैं यहाँ लगा दिया करूँगा। तो जाऊँगा गियर में टॉप स्पीड के लिए और उस रोड से लौटते हुए फिर हम चेक करेंगे इसमें 0-100, देन हम कंपेरिजन करेंगे R15 के साथ कि दोनों में कौन सा ज़्यादा क्विकर है या कौन सा ज़्यादा फास्टर है। चलो फर्स्ट गियर है, लग रहा है 51 तक जा रहे फर्स्ट गियर पे। सेकंड गियर 78, हाँ थर्ड के लिए अभी और आगे जाना पड़ता है, लेकिन फिर से ट्राई कर लेंगे। तो गियर वाइज टॉप स्पीड हमने देखा, थर्ड गियर पे इस रोड पे पहुंचना पॉसिबल नहीं है, तो ट्राई करेंगे आगे जाने की अगर मिलेगा तो। फिलहाल 0-100 हम एक रन ट्राई करेंगे कि 0-100 कितने सेकंड में जाती है। चलो वी ऑल सेट टू लीव, ट्राई करते हैं 0-100 रन। आई होप कि आपको ये मीटर ठीक दिख रहा हो, सामने का रोड ये है, पीछे पहुंच तो गई, अब कितने सेकंड पहुंची ये नहीं पता, ये देखा जाएगा। थर्ड गियर में पहुंच गए 0-100। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बाइकर्स बॉन्ड में, मैं नितिन, प्रीतेश आप दोनों लोग को बड़े अच्छे से जानते हैं। तो अभी पीछे हमने बताया कि आज हम लोग ट्राई करेंगे अपने क्लासिक 350
और प्रीतेश की R15 वर्जन 3 का काइंड ऑफ ड्रैग रेस, क्योंकि लोगों के मन में बड़ा डाउट सा रहता है कि 350 cc बाइक क्लासिक और 155 cc बाइक, क्या दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है, कौन ज्यादा तेज है? तो प्रीतेश के हिसाब से क्या हिसाब से? मैं तो जीत जाऊंगा ये तो मुझे पता है, बाकी तुम जानते तो प्रीतेश का कहना है R15 वर्जन 3 जीतेगी और देखते हैं बुलेट में कितनी दम है। ऑल्दो लॉन्ग राइड के लिए ज्यादा कंफर्टेबल है, बट हम अभी बात कर रहे हैं ड्रैग रेस की, ओवरऑल 0 to 100 कितने सेकंड में जाती है और इन सब चीजों की। ये जो रोड आप देख रहे हैं ये बहुत सेफ तो नहीं है इससे ट्राई करने के लिए, देखते हैं अगर इससे क्लियर बिना कोई आ जाता है तो आपको दिखा देंगे, अदरवाइज हम थोड़ा सा आगे भी अपने प्लान को एक्सटेंड आगे चलेंगे जहाँ थोड़ा शांति मिले। तो बिना किसी देरी के अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग जोर से लाइक वाला बटन दबा दीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल जो कि है बाइकर्स बॉन्ड। बाइकर्स बॉन्ड, ठीक है, तो आपको मिलते हैं बाइक पे ही। मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार। चलो बोलो भाई जय श्री राम। देखते हैं, नहीं रुक जा रुक जा, हाँ 3 पे ना। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ ओके, तो इस रन में ये फाइनल हुआ है कि R15 ज़्यादा तेज है फिलहाल के लिए। एक हम लोग रिटर्न रन ट्राई करेंगे क्योंकि क्रॉसिंग अगर बंद है तो उधर से गाड़ियाँ कम आएंगी। हाँ फर्स्ट गियर में गया 55, सेकेंड में गियर में गया 78 और थर्ड में गया 101। थोड़ा रोड क्लियर हो फिर देखा जाए आगे क्या रोड सही मिलेगी। हालत ये है जौनपुर में कि आज लगन है और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, और जौनपुर के सराउंडिंग में कोई ऐसी बहुत ठीक ठाक रोड भी नहीं है जहाँ की हम लोग ये सब रन कर पाए। फिर भी कोशिश कर रहे हैं एक आपको नियर टू करेक्ट इन्फॉर्मेशन देने का कि एक्चुअल में क्या कंडीशन रहने वाली है। इस बार लॉन्च अच्छा हुआ है इस बार। तो इस रन में तो बुलेट थोड़ी सी आगे निकली है। ये रोड बल्कि ज्यादा सही है, यहां से वहां तक ज्यादा सही है, समझे? एक आध फीट से ट्राई करते हैं, नहीं यहाँ आध फीट से ट्राई करते हैं। इसमें तो ठीक ठाक रहा, मतलब लगभग बराबर पे लास्ट में खींच ये ना दिखावा दिखावा है। तो एक और रन के लिए जा रहे हैं, तो काइंड ऑफ ये ड्रैग रेस है।
थोड़ा सा ही पीछे है कह रहे थोड़ा सा ही पीछे है आओ उधर से एक राउंड आउट लगा लिया जाए ना कट है वो कट है आओ उधर तक राउंड लगाओ अभी ड्रैग रेस कर रहा है बहुत तेज हेलो बहुत तेज गाड़ी चला रहा है बताओ तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कमल में अपनी बाइकें चेंज करके अब प्रत्येक बुलेट चलाएंगे मैं आर ऑन फाइव चलाऊंगा हालांकि विनर तो इस राउंड में आर ऑन फाइव ही रही है तो देखते हैं कि लेकिन बुलेट भी अच्छे चलो वन टू थ्री चलो यार हाँ एक और बार लिया ले क्या ट्रिक चलो चलो वन हालत ख़राब हो गई हम लोग की हालत ख़राब इसलिए हो गई क्योंकि बड़ा ही ट्रैफिक वाले एरिया में हम लोग ये अपना ट्रैक रेस परफॉर्म कर रहे थे हालांकि हम लोग सेफली कर रहे थे कोई ऐसा रिस्क नहीं ले रहे थे तो पिछले दो तीन रिजल्ट में आपने देखा कि अराउंड फाइव ही विनर है वो भी बड़े छोटे से मार्जिन से तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं अब हम वापस जा रहे हैं अपने घर की तरफ चलो और इसका जो फ़र्क है वो ये है कि अराउंड फाइव का जो वो हाई रेविंग इंजन है तो वो स्टार्टिंग में तो भले रॉयल इनफील्ड क्लासिक अपने उसके साथ कोप अप कर ले, लेकिन बाद में क्या होता है कि जब उसका आरपीएम ज़्यादा बढ़ता है तो वो ज़्यादा पुल बहुत अच्छा करती है आर फाइव उसका पावर ज़्यादा होने की वजह से हाई रेविंग इंजन की वजह से और क्लासिक का क्या थोड़ा स्लो रेविंग इंजन है तो उतना अच्छा पिकअप नहीं मिल पाता है ऑल्दो अगर गियर वाइज स्पीड की बात करें तो लगभग दोनों का सेम है ठीक है फर्स्ट गियर पे आर फाइव भी 55 जाती है और फर्स्ट गियर पे अपना ये भी जाती है 52-53 के आसपास सेकेंड गियर पे 78 ये भी जाती है 78 आर ओ फाइव भी जा रही है 101 जा रही है थर्ड गियर पे 97 जा रही है थर्ड गियर पे भी आर ओ फाइव और ये 100+ जा रही है थर्ड गियर पे तो ये है थोड़े डिफरेंस है और लास्ट वाले वीडियो में कुछ कमेंट आया था कि आप KTM 390 और क्लासिक 350 का कंपैरिजन करते हैं तो कोई सवाल भी उठता है नो डाउट विनर है उसका क्योंकि जब आरन फाइव से बुलेट ठार जा रही है ट्रैक रेस या पिकअप के मामले में तो KTM को कंपैरिजन करने कोई बात ही नहीं तो बस एक ये था वीडियो सुना था अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करना शेयर करना कमेंट करना बड़ा अजीब सा कंपैरिजन हम लोगों ने किया 150 फुल फेयरिंग बाइक का एक क्लासिक 350 रिलैक्स रॉयल एनफील्ड की बाइक था दोनों ही अपने सेगमेंट की बड़ी पॉपुलर बाइकें हैं आई होप कि जो भी डाउट रहे उनके हम लोगों ने क्लियर किया हवा बहुत तेज चल रही है कैसा रहा भाई एक्सपीरियंस ट्रैफिक की बात करें हम ट्रैफिक की बात करें तो हम लोग आगे और जाके भी ये चीज करना चाहिए था क्योंकि अभी इतनी ट्रैफिक थी रेलवे क्रॉसिंग की वजह से बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रहा था जो कि सही से नहीं हो पाया अटैम्प बट ठीक है जितने भी अटैम्प हुए वो क्लियर हो गए हैं कि आरन फाइव विनर है आरन फाइव डेफिनेटली वो विनर है कि ज्यादा डिस्टेंस नहीं है
थोड़ा सा बुलेट भी कम नहीं था, वो कंपेयर टू कंपेयर जब लगा रहा था तो विनर कह सकते हैं कि माइनर में ये हिम्मत है छोटा बुलेट वालों घबराओ मत, हिम्मत नहीं छूटी है, बुलेट भी अपने आप में बहुत ही शानदार बाइक है। और अगली जो वीडियो हम लाने की कोशिश करें इंडिया क्लासिक 350 न्यू वर्जन आई है और अपना जो ओल्ड वर्जन है, इन दोनों का एक कंपेरिजन करके देखेंगे कि ऑन पेपर तो पावर वगैरह सब कुछ सेम है, क्या चेंजेस या क्या अपग्रेडेशन से कुछ पिकअप पे या कुछ इसमें फर्क पड़ा है कि नहीं, तो वो वीडियो देखना है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, अच्छा लगे शेयर करो दोस्तों के साथ और ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे। इसमें काइंड ऑफ 0-100 या केयरवे 250 की सीरीज ही चल रही है, इसमें जो जो बाइकें हम लोग को अवेलेबल रहेंगी उन बाइकों को हम करते रहेंगे। और अगर कोई स्पेशल किसी बाइक के बारे में आपको वीडियो देखना है, कोई स्पेशल कंटेंट चाहिए, कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखो, उसका भी हम लोग जवाब देंगे। और ये देखो शादी नागिन डांस बड़ा ही फेमस, आज रश भी कुछ ज्यादा था। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए करते हैं वीडियो पेंट, बाय बाय, टेक केयर, टाटा, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।